Hello friends, this video is for standard 6. The topic for the day is sources of history. Okay, history. History is divided into three parts. Let's understand first the meaning of history. History is something that is related to past. जो चीजें हो चुकी है, जो already हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिए, वो एक्सपीरियंस इसके अंदर शेयर कर रहे हैं हिस्ट्री के थ्रू. हिस्ट्री हमें हेल्प करती है कि पुरानी चीज़ों के बारे में हम जान सकें. जो सबसे पुरानी हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री, उसके अंदर इंक्लूड होता है कि कैसे लोगों ने जीना शुरू किया था, कैसे लोगों ने घर बनाए, कैसे लोगों ने सबसे पहली बार खाना खाने के लिए क्या बनाया, कैसे हंटिंग किया, किस तरीके से उन लोगों ने अपनी लाइफ जी जब कुछ भी नहीं था, ना ही खाने के लिए कुछ था, ना बर्तन थे, ना कुछ सामान था, तब उन्होंने कैसे एडजस्ट करके सारी चीज़ें अरेंज की, वो एंशियंट हिस्ट्री में आता है. मेडिवल हिस्ट्री इज रिलेटेड टू द किंग. किंग जहाँ पे राजा ने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू की, राजा रानी, उनका खुद का एक घर, खुद का महल, खुद का राज्य हुआ करता था, ठीक है. जहाँ पे राजा जब मर जाते थे तो उनका बेटा उनका राज्य संभालता था. तो मेडिवल हिस्ट्री इज रिलेटेड टू द किंग. Then comes modern history. Modern history यानी British time, जहाँ पे Britishers ने सबसे पहली बार इंडिया में एंटर किया, कैसे उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया और कैसे हमने उनसे स्ट्रगल करके, फाइट करके अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की. हिस्ट्री हमें पताता कौन है, हिस्ट्री हमें पहचानवाता कौन है? सो आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि कैसे हिस्ट्री एक्चुअली हुआ करती थी. बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने स्टडी करके हमें बताया है कि हिस्ट्री एग्जैक्टली है क्या. ये हमें सारी चीज़ें नॉलेज, हमें पूरा का पूरा नॉलेज हिस्ट्री का आर्कियोलॉजिस्ट ने ही अपनी डिटेल्ड स्टडी से दिया है. अब ये हिस्ट्री जो भी हमने एक्सपीरियंस किया, जो भी हमें जितनी भी हिस्ट्री हमें पता है, तो उसका मेन मीडियम क्या है? हिस्ट्री के बारे में हमें पता कहाँ से चला? तो हिस्ट्री के बारे में हमें, जैसे अगर हम लोगों को आज की डेट में कोई न्यूज़ चाहिए होती है, किसी इवेंट के बारे में जानना होता है, तो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं. तो उस ज़माने में न्यूज़पेपर तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे उस ज़माने में कुछ तस्वीरें हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो केव्स पे ड्रॉ की हुई है, कोई मॉन्यूमेंट्स पे ड्रॉ की हुई है, या कहीं ना कहीं पेड़ के जो पत्ते हैं, द ट्रीज के जो लीव्स हैं, उसके ऊपर लिखे हुए हैं. और उन्हीं से हमें पता चला कि एग्जैक्टली वो लोग कैसे अपनी लाइफ जिया करते थे. बहुत सारे आइडल यानी कि मूर्तियाँ, स्टैम्प्स, बर्तन यानी यूटेंसिल्स, ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं, उनसे हमें पता लगा कि एग्जैक्टली हिस्ट्री है क्या. टेम्पल्स, फोर्ट्स, स्टेपवेल्स, ये सारी चीज़ों ने हमें बताया कि एग्जैक्टली हिस्ट्री में कैसे लोग हुआ करते थे, कहाँ वो लोग रहते थे, किस तरीके की ज़िंदगी जीते थे. आप सब जानते हैं कि ये फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर्स अब हमारे पास इतनी अच्छे तरीके से नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट्स ने इनको बाइट करके ख़त्म कर दिया था. लेकिन जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी पेपर्स हमारे पास है, उससे हमने जो भी पता चला है वो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है. हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री की जो चीज़ें थी वो सारी लीव्स पे लिखी गई थी. तो द ट्री कॉल्ड भोजपत्रा, दैट इज ट्री का नेम है भोज, जो ट्री की जो स्किन होती है, जो उसकी जो ट्रंक से जो स्किन निकलती है उसकी ट्री की, और जो लीव्स होती है उस पे वो लोग लिखा करते थे. सो हियर इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं कि कैसे लीव्स के ऊपर किया है, और उस लीव्स का उन्होंने क्या किया है, यूज़ करके बुक रेडी की है. सो दिस इज द ट्री नेम्ड भोज, BHAUJ, भोज, जिसको हम जो ट्री से बनाते हैं उसको हम कहते हैं भोजपत्रा. एंड ये हमें बहुत सारे टेम्पल्स और बहुत सारी म्यूजियम लाइब्रेरीज में देखने मिलती है इसकी बनी हुई बुक्स. अब इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि इंसेक्ट्स ने इनको डैमेज कर दिया था ओवर द टाइम, और इतनी पुरानी है इसलिए जितना टेक्स्ट हमें मिल सकता था उतना हमें मिला है.
सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में हमें किन किन चीजों को देख के पता चला कि हाँ हिस्ट्री में ऐसा हुआ करता था। तो हिस्ट्री में हमने पता चला कि मिट्टी के बनाए बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, उन लोगों ने खुद के कॉइन्स डेवलप किए थे, कॉइन्स जो खुद वो लोग मिंट करवाते थे आयरन कॉपर इनकी मदद से। उस जमाने में न्यूज़पेपर जो उन लोगों ने डेवलप किया था, जब उनको बनाना आ गया था पेपर का इस्तेमाल करना, ट्री की लीव्स का इस्तेमाल करना, तो इन पुरानी चीज़ों से हमें पता चला कि वो लोग इस तरीके का न्यूज़पेपर यूज़ करते थे, कॉइन्स यूज़ करते थे एंड यूटेंसिल्स या वेसल्स जो मिट्टी के बनाए हुए बर्तन वो इस्तेमाल। इस तरीके की आप देख सकते हैं कि इन बुक जो है इंस्क्रिप्शंस वो लोग लिखते थे। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? जो हम लोग मेटल या फिर स्टोन के ऊपर लिखी हुई चीजें होती है ना, उसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो पहले के जमाने में लीव्स पे तो लिखते ही थे, पर स्टोन्स मेटल्स उसके ऊपर भी लिखा करते थे। इसीलिए तो हमें पता चला कि हिस्ट्री ऐसी है। ये स्टैम्प्स है, वो लोग स्टैम्प्स का इस्तेमाल करते थे। किसी को भी अगर चिट्ठी लिखनी होती थी या पोस्ट करना होता था कुछ भी, तो उसमें ये स्टैम्प्स यूज करते थे वो लोग। ये आर्चीव म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरी, अगर हमें ये देखना है चीज़ें, इन लोगों को देखना होगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, कहाँ से हमें नॉलेज मिलेगा इन सब चीज़ों का, कि कहाँ हमें पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे पड़ी हैं। तो ये म्यूजियम में इनके कपड़े, इनके बर्तन, इन लोगों के जो भी न्यूज़पेपर्स, स्टैम्प्स, कॉइन, सब कुछ हमें म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स में देखने को मिलेगा। वो लोग लिखते क्या थे? तो वो लोग लिखते थे अबाउट द विक्ट्री, जो राजा जीत जाते थे उसके बारे में लिखते थे। कैसे उन लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो लोगों ने कैसे अपने टूल्स बनाए, कैसे उन लोगों ने एनिमल को हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए क्या सामान का इस्तेमाल किया, ट्रीज को कैसे कट किया, ट्रीज को कैसे उन लोगों ने यूज़ किया पेपर की तरह, या फिर उसके टूल्स बनाए, ब्रांचेस को कैसे यूज़ किया, वो सब कुछ वो लोग क्या करते थे? लिखते थे। और ये सारी चीज़ें स्टोर करते हैं हम लोग आर्चीव्स म्यूजियम या लाइब्रेरी में। नेशनल आर्चीव ऑफ दिल्ली सबसे फेमस आर्चीव है, वहाँ पे बहुत सारा सामान या बहुत सारी ऐसी एंशियंट चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलेगी। जब आर्कियोलॉजिस्ट जो पढ़ाई करते हैं हिस्ट्री की, उनसे हमें पता चला कि यूटेंसिल्स, टूल्स, ये सब कुछ स्टोन एंड मिट्टी की मदद से बनाए जाते हैं। उनके ऑर्नामेंट्स भी होते हैं। ऑर्नामेंट्स क्या है? तो ऑर्नामेंट्स आर ऑल्सो दी ऑब्जेक्ट्स जो वो लोग उस वक्त की लेडीज इन इवन बेल्स भी पहनते थे उस वक्त पे। ये मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स जो अब इतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं जितने अच्छे दिख रहे हैं, बट ये हमें बताते हैं कि कैसे हिस्ट्री हुआ करती थी। फेमस अशोका पिलर, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफंटा केव्स, बदामी टेम्पल, ए होल फोर्ट एंड पत्तदकल, ये सारी फेमस प्लेसेस हैं जिनकी मदद से हमें पता चला कि हिस्ट्री में एग्जैक्टली कैसे हमारी हिस्ट्री है। ये इंस्क्रिप्शंस है, कैसे देखो स्टोन की मदद से या मेटल के ऊपर वो लोग लिखा करते थे। सो इससे हमें पता चलता है कि राइटिंग्स विच आर कार्व्ड ऑन स्टोन्स आर कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन। जो स्टोन पे लिखते तो स्टोन इंस्क्रिप्शन, अगर वो लोग कॉपर पे लिखते तो कॉपर प्लेट्स या फिर आयरन प्लेट्स कहा जाता है उनको। तो ये आर्चीव्स में स्टोर होती है जाके। अब ये कितने साल पुराना है वो कैसे पता चले? तो हमारे साइंटिस्ट ने एक सिस्टम डेवलप की जिसका नाम है कार्बन डेटिंग सिस्टम। ये एक तरीके की मशीन है जो मेजर करती है कि ये पत्थर कितने साल पुराना है या कितने साल पहले ये चीज़ लिखी गई थी, तब हमें पता चलता है कि ये इतने साल पुरानी चीज़ है। सो दस इससे हमें पता चला कि हिस्ट्री कितनी अच्छी है हमारी, कितनी सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम यूज़ नहीं करते या उनको अलग तरीके से यूज़ करते हैं, पर पहले के ज़माने में उन्हें बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। आई होप कि आपको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यानी ये पता चला होगा कि एग्जैक्टली हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता चला, हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई, किन्होंने हिस्ट्री ढूंढी। तो बहुत सारे फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की हिस्ट्री को जानने में, और बहुत सारी ऐसी ऐसी म्यूजियम्स हैं जैसे कि श्री हेमचंद्र आचार्य लाइब्रेरी या फिर ट्रिपुरा
ट्राइबल म्यूजियम जो गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में है, महावीर जैन अर्धना केंद्र कोबा गांधीनगर, यहाँ सब जगह पे जाएंगे तो हमें ये कॉपर प्लेट्स भोज पात्रा पे लिखे लीव्स के ऊपर लिखी हुई इंस्क्रिप्शंस को देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। वॉचिंग द वीडियो आई होप दैट यू गेट द क्लियर मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री।